वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं पुनीत सुपरस्टार एंड फुकरा इंसान इन बिग बॉस रोस्ट। और ये हमने एक और वीडियो की, अब देखना किस चैनल में आती है। तो हमें, मुझे तो पता ही नहीं था कि टिगड़ इंसान का जो भाई है वो बिग बॉस में पहुंचा हुआ है, तो मेरे को काफ़ी शौक लगा था और मैं अब सरप्राइज्ड। और इससे यही दिख रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं जिनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं, अब वो टीवी की लाइन में जा रहे हैं, बॉलीवुड एंटरटेनमेंट की लाइन में, क्योंकि वहाँ पे उनको टीआरपी चाहिए, व्यूशिप चाहिए। तो उनके पास जब मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उससे उनको फ़ायदा हो रहा है, यहाँ पे ये यूट्यूबर्स जो हैं इनको भी फ़ायदा हो रहा है, इनको पैसा काफ़ी मिल रहा होगा इसमें, और साथ में इनको भी पॉपुलैरिटी मिल रही है। तो दोनों तरफ से इनका जो है, दोनों लोगों का अपना फ़ायदा हो रहा है। पर आई एम श्योर बिग बॉस तो हमें पता ही है, सारा स्क्रिप्टेड होगा और पहले से प्री प्लान्ड, किसने क्या डायलॉग बोलना है, क्या करना है, वो तो ऑब्वियस ही है कि ऐसा कुछ होगा कुछ। मुझे तो लगता है शायद सारा ही होगा। एनीवे, मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारे घर में खाना खाने के लिए आटा तक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर में पीने के लिए पानी तक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमारे पास तो घर ही नहीं है, गटर में रहते हैं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिग बॉस देखने में बहुत मजा आते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी चल रही हो या ना चल रही हो, सामने वाले की जिंदगी के कलेश देखना आई लाइक इट। जी हाँ, बिग बॉस वही जहरीला शो जिसका एक एवरेज व्यूअर सामने वाले को सोते हुए देख के भी एंजॉय कर लेता है। कितना इंटरेस्टिंग है, मजा ही आ गया, अमेजिंग। रोस्ट करें ना बिग बॉस का भी। तो जिन लोगों को नहीं पता है, बिग बॉस का एक नया सीजन आ चुका है और इस बार तो 24/7 लाइव चल रहा है, और कुछ वेले लोग पूरे पूरे दिन बैठ के उस लाइव को देखे जा रहे हैं। रात को लोगों को सोते हुए देख रहे हैं, दिन में उनको कान खुजाते हुए देख रहे हैं, दोपहर में उनको पॉटी करते हुए देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं। क्या मजा आ रहा है पता नहीं। अरे मेरे तो मम्मी पापा तक देख रहे हैं यार। मैं कैसे बोलूं मेरे मम्मी पापा को कि बंद करो भाई, परेशान हो चुका हूं मैं। सुबह उठते के साथ बिग बॉस देखना शुरू करते हैं और आधी रात तक देखते ही जाते हैं, देखते ही जाते हैं। और वो क्यों? कि मेरा सगा भाई, मेरा अपना खून अभिषेक, एक फुकरा इंसान आया हुआ है ना इस सीजन में बिग बॉस के। वैसे तो मैंने अभिषेक को पहले मना किया था कि तू क्यों जाना चाहता है बिग बॉस में, वेले लोग जिनके पास काम धंधा नहीं होता करने को, जिनके करियर खत्म हो जाते हैं वो जाते हैं बिग बॉस में, तू क्या करेगा जाके। बट उसने एक चीज काफी अच्छी बोली थी कि यार यूट्यूबर्स को, क्रिएटर्स को पहली बार बुला रहे हैं ऐसे, तो काफी बड़ी बात हो जाएगी। पुनीत सुपरस्टार और अभिषेक क्रिएटर्स कम्युनिटी के हमारे दो लोग, बिग बॉस जैसे लेवल पे इट्स अ बिग डील, ठीक है, सारे मिलकर सपोर्ट करेंगे। और फिर इन लोगों की एंट्री हुई फाइनली बिग बॉस में। बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले ना ऑडियंस से एक वोटिंग करवाई थी, और उस वोटिंग के हिसाब से हर एक कंटेस्टेंट की रैंकिंग डिसाइड होनी थी। तो अभिषेक को सबसे ज्यादा वोट मिले तो उसकी रैंक वन आई। जैसे ही उसकी रैंक वन अनाउंस हुई, फुकरा इंसान एक पर है। इन सब की शक्लें देखो, इनके तोते उड़ गए, दे वर इन डिसबिलीफ, शॉक में आए लोग के भाई ये कौन है, हु इज दिस अभिषेक फुकरा इंसान, ये तो बस एक यूट्यूबर है ना, ये एक यूट्यूबर होके रैंक वन पे कैसे है, इसको देखो, ओ माय गॉड, ये कौन है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इमेजिन करो जहाँ पे तुमने बचपन से सलमान खान को देखा है, उनकी मूवीज देखते आ रहे हो, उनके बहुत बड़े फैन हो, एंड तुम फाइनली उनके साथ सेम स्टेज पे खड़े हो, वो भी लाइव टीवी पे। कैसा फील हो रहा होगा तुमको? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही होगी ना। एंड उसी नर्वसनेस के चलते हुए एक वेरी इंपॉर्टेंट जर्नलिस्ट ने एक क्वेश्चन पूछा, एंड बिफोर वो अपना क्वेश्चन खत्म करते हैं अभिषेक ने उसका आंसर देना शुरू कर दिया। भुखरे तो होते हैं जो कुछ कर नहीं पाते हैं आपके अंदर, एट दैट मोमेंट आप सवाल सुनेंगे, लाइन मत पार कीजिए। देखो आई एग्री, कभी कोई बड़ा बुजुर्ग अपनी बात कर रहा होता है तो तुम उनको बीच में नहीं काटते, तुम वेट करते हो कि वो अपना क्वेश्चन या फिर अपनी बात कंप्लीट करे, उसके बाद तुम बोलना शुरू करो। तो हाँ, अंकल जी यहाँ पे बोल सकते थे कि स्टॉप बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने दो, बट क्या इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर घमंड भर रखे हैं? इसको थोड़ा कम कीजिए, हवा थोड़ी ज्यादा भरी हुई है, हवा एक नकली सी इनके अंदर भरी हुई है। जस्ट बिकॉज मैं जल्दबाजी में आपकी बात के
बीच में बोलना शुरू कर दिया तो मैं घमंडी, कोई लॉजिक है, कोई सेंस बन रही है इस बात में? नहीं, नकली हवा भर रखी है, नकली हवा तीन चार बार बोला उन्होंने नकली हवा भर रखी है। देखिए वैसे तो मेरे माँ बाप ने सिखाया कि हर किसी के साथ हम्बल होके ह्यूमिलिटी के साथ हाथ जोड़ के रहना चाहिए, एंड अभिषेक ने ऑलरेडी बहुत अच्छा रिप्लाई दे दिया था कि ये एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट है, वैसे हवा नहीं है। बट स्टिल अंकल जी, आप अपनी जिस बबल में जी रहे हो ना, जिस स्ट्रॉबेरी दुनिया में जी रहे हो जिसमें आपको लगता है कि नकली हवा, मैं आपको बता दूं हवा तो यूट्यूबर्स की चल रही है। आप इंडस्ट्री वाले बहुत ज्यादा अनइन्फॉर्मड एंड इग्नोरेंट है इस फैक्ट के, बट यूट्यूबर्स आर द रियल डील राइट नाउ। और आप लोगों को भी समझ आएगा, अभी नहीं आएगा, फ्यूचर में आएगा, बट आएगा जरूर। और अंकल जी वैसे तो कोई घमंड नहीं है, कोई हवा नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है ना कि हवा है तो फिर वो नकली नहीं है, फिर तो एकदम शत प्रतिशत 100% असली हवा है। यू आर राइट ब्रो। अभी बिग बॉस वाला सीजन स्टार्ट इन्होंने ये बोल के किया था कि भाई ऑडियंस के वोट ही मैटर करेंगे, ऑडियंस के वोटिंग पे सब कुछ, ऑडियंस की वोटिंग पे रैंक वन आया था अभिषेक, इंसान एक पर है, और ये जो सो कॉल्ड पैनल बैठा हुआ था इन्होंने उसको रैंक 6 पे डाल दिया, यानी 75,000। ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। और सिर्फ अभिषेक को ही नहीं, पुनीत सुपरस्टार रैंक 2 पे आया था, अरे नंबर 2 पे हुआ, उसको भी भाई रैंक 2 से सीधा बॉटम पे डाल दिया, 10 नंबर पे आपको इस जनता की आवाज ने आपको रखने की। मेरे साथ अन्याय हुआ है भाई, तो फिर फायदा क्या ऑडियंस वोटिंग किस बात की बोल रहे हो? ऑडियंस का वोट मैटर बोल बोल के पूरा सीजन बनाया, और भाई ऑडियंस की वोटिंग की कोई वैल्यू ही नहीं बची जब पैनल के डिसीजन पे सबको डिसाइड होना था, तो भाई ऑडियंस से वोट करवा के हमारा क्यों काट रहे हो? ऑडियंस को वोट मैटर है बच्चों। और इसके बाद तो जो सबसे ज्यादा सस्पिशियस चीज हुई बिग बॉस के घर में, टू सस, अमंग अस में इतना टू सस मोमेंट नहीं हुआ जितना बिग बॉस के घर में पहले ही दिन हो गया। पुनीत सुपरस्टार ने पूरे दिन घर में कोहराम मचा दिया, लाइक जो कलेश वो कर सकता था ना उसने किया। ये देखिए, रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। बिग बॉस में आपको एक ऐसा ही कैरेक्टर चाहिए होता है जो ऐसे ही लोगों को कलेश करके इरिटेट करे पूरे दिन, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ये चपरी नल्ले बेरोजगार बोले जा रहे हैं, हर एक को परेशान कर रहे हैं, टीआरपी बढ़ा रहे, ये करो वो करो, ये जाओ वहां जाओ। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको पहले दिन घर से निकाल दिया। व्हाट, ये क्या हो गया? I mean, बिग बॉस की हिस्ट्री में आज तक ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स आए हैं जिन्होंने ना जाने किस किस लेवल के कलेश करे हैं, मारपीट करी है, चीखा चिल्लाया है। डॉली बिंद्रा याद है तुम्हें? यार उसने कितना चीखा है, कितना चिल्लाया है, किस किस के साथ लड़ाई करी है, क्या क्या ड्रामे करे हैं, उसको तो नहीं निकाला था। इमाम सिद्दीकी आया, वो क्या अजीब अजीब सी हरकतें करता, उसको तो नहीं निकाला। स्वामी ओम आया, वो तो मूत दिया था किसी के ऊपर, उस तक को नहीं निकाला। और पुनीत सुपरस्टार को किस लिए निकाल दिया, कि उसने बाथरूम में पॉटी फ्लश नहीं करी, या फिर वो पूरे दिन छपरी नल्ले बेरोजगार चीख रहा चिल्ला रहा था? टू सस भाई, आई एम कंप्लीटली फ्लैबरगैस्टेड एंड कंप्लीटली माइंड ब्लोन बाय द फैक्ट दैट पुनीत सुपरस्टार वाज evicted from the house on the first day, when this has never happened in the history of Big Boss. This was the first day. And why? Just because he's a creator? क्योंकि वो कोई टीवी वाला स्टार नहीं है, या फिर वो कोई फिल्म स्टार नहीं है जिसको तुम निकाल सको? Very sus man. अभिषेक ने एक जगह बोल दिया कि मुझे नहीं पता पूजा भट्ट कौन है। नहीं जानता तो अब क्या बोलूं? भाई लोग पीछे पड़ गए उसके, तू पूजा भट्ट को कैसे नहीं जानता? पूजा भट्ट, ओह माय गॉड, पूजा भट्ट, तू धर्मेंद्र को जानता? यार धर्मेंद्र को जानता, अनिल को नहीं जानता। आप कह रहे हो धर्मेंद्र को जानता? मैं कह रहा हूँ इस बात का मुद्दा क्यों ना रहा हूँ, मैं शक्ल से नहीं पहचान रहा, आई डोंट रिकॉग्नाइज हर। अरे नहीं जानता भाई, मैं भी नहीं जानता पूजा भट्ट कौन है, हमारे पैदा होने से पहले वो फिल्मों में थी, अब नहीं जानते उसको। वैसे भी भाई कौन है पूजा भट्ट? आलिया भट्ट की बहन, या वो जिसके पापा ने ये बोला था कि अगर ये मेरी बेटी ना होती तो मैं इससे शादी कर लेता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हाँ ये पूजा भट्ट। ओके ओके अच्छा ठीक है, मेरे को पता होना चाहिए था, सॉरी गाइस मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर दो। अभी उसकी वो बारे में बुरा बोल रहा था अभिषेक, अभी उसके साथ ही जाके बैठा हुआ है, इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही, यूट्यूबर ही तो है, यूट्यूबर ही तो है, एज इफ भाई यूट्यूबर होना कोई बुरी बात है। यार एक ना बहुत क्लियर चीज जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करी है ना, इन लोगों को यूट्यूबर्स की पावर के बारे में नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर्स कितना कमाते हैं, इनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर्स ने कितनी ऑडियंस कमाई है, इनको ये नहीं पता कि यूट्यूबर्स को ऑडियंस का कितना प्यार मिलता है। एंड इन लोगों को, इन इग्नोरेंट लोगों को भाई ऐसे ही जीने दो। मैं फ्लेक्स नहीं मारना चाहता क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे को बोला कि हम्बल रहने का है, लेकिन भाई जितना ये बंदा एक साल में कमाता है ना, उतना अभिषेक एक रहने दो, छोड़ो यार पैसे की कंपैरिजन करना यार, इज नॉट द वे। लेकिन ये यूट्यूबर ही तो है, ये जिस तरीके से बोलते हैं ना, एज इफ दे वांट टू डिमीन इट, इवेंचुअली है तो वो भी यूट्यूबर ही। वही यूट्यूबर फर्स्ट वीक का तो विनर बन चुका है ऑलरेडी, अभी पूरे सीजन का भी बनेगा, एंड तब इन लोगों को समझ आएगा कि यूट्यूबर ही तो है। कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी हर छोटा, कभी ना कभी
बड़ा जरूर हो जाता है सर। भुवन बाम वेब सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत गया, यूट्यूबर ही तो है आशीष चंचलानी, यूएस जाके मार्वल वालों साथ वीडियोस बना रहे, यूट्यूबर ही तो है, फोर्ब्स 30 अंडर 30 में इतने सारे यूट्यूबर जीते हैं, और ये बंदा है कौन? मैं तो पहले ही कह रही थी मिस यूज करने के लिए, फायदा उठाने के लिए यूट्यूबर्स को बुलाया, टीआरपी मिल जाए। और नहीं, और जो बैठे हुए हैं ये जो टीवी सीरियल बनाने वाले और बॉलीवुड वाले, वो अपने आप को जर्नलिस्ट भी जो था, ये सोचते हैं हम पता नहीं क्या हैं, और ये लोग तो आम पब्लिक से आए हुए लोग हैं। देखो जर्नलिस्ट का ईगो नजर कितना घटिया। और पूजा, दूसरा हमने वीडियो किया उसमें पूजा भट्ट की भाषा सुनना, जिस तरह से वो बोल रही थी उसको भी ईगो है। और कोई नहीं, अच्छा सिखाया, जो जैसे इसने बोला कि भैया कौन पूजा भट्ट, मैं तो जानता ही नहीं, कोई भी नहीं जानता होगा, हमें तो इसलिए पता है क्योंकि हमने उसकी उस टाइम मूवियां एक दो देखी थी, पर मैंने भी नहीं पहचाना था, अभी इस वाली नहीं दूसरी जो हमने वीडियो की है। 30 साल से यूएस में उसको क्या पता पूजा भट्ट कौन है, कईयों ने तो नहीं देखा, हम लोग तो मूवियों का शौक था तो हमने देखी भी है, एक दो जो उसकी हिट हुई थी उसी से याद है मुझे, और देख के अभी भी कोई पहचान नहीं सकता, वो तो बाय चांस मेरे को लगा कि वो है, और उसके बाद मैंने पूछा भी, मैंने कहा पूजा भट्ट है कि नहीं, तो तुम क्या अपने आप को सोचते हो कि तुमको तुम बड़े वो हो गए हो, और जो आम पब्लिक से आया हुआ अपनी मेहनत से उठ के आया है, उसने यूट्यूब से जो है मैं कहूँगी कि पैसा और फेम और फैंस की लिए हैं सब्सक्राइबर्स, ऐसे बोलने का क्या मतलब। नंबर वन में उसकी रैंकिंग आई थी जो लोगों को पसंद लगा, उसके बाद तुमने नीचे कर दिया, दोनों यूट्यूबर्स का ऊपर का था तुमने उसको नीचे कर दिया, क्यों? क्यों तो क्योंकि तुमको तकलीफ होती है, वो मेन यही प्रॉब्लम है कि उनको लगता है कि हम ज्यादा बेटर महान है इन लोगों से, क्योंकि कंपटीशन तो, जो अच्छी बात है, यूट्यूबर्स कंपीट कर रहे हैं बॉलीवुड से या तो, जैसे बोल रहे हैं सीरियल वालों से, दैट्स अ नाइस थिंग, इनकी मजबूरी है देख लो तभी तो बुलाया है, हर एक में अपनी एबिलिटीज हैं, जो अपनी एबिलिटी के हिसाब से आगे जाएगा, इट्स वेरी गुड टू सी, अच्छा लग रहा है। जो बिग बॉस देखते हैं उनको ज्यादा पता है, हमें तो देखते नहीं है, बट ऐसे सीरियल देखने ही नहीं चाहिए जो ऐसे घटिया लो करेक्टर के हो, क्योंकि बोलते हुए मतलब क्या करें आप भैया, क्योंकि डिपेंड करता है आपका, आप किस लेवल पे आप डिपेंड नहीं करता देखना चाहिए आप ऐसे घटिया चीजें, क्यों देखोगे? जो लोग अपने लेवल हाई करो, कंट्री को बढ़ाना है यार, हमने कंट्री को बढ़ाने के लिए अपनी अपनी अपने ऊपर अपने को बेटर करो, ऐसी चीजें देखे बेटर, वो कह नहीं रहे पता नहीं किसी ने किसी के ऊपर सुसु कर दिया, अमित शाह जी के डायलॉग को मैं यूज करूंगा, अमित शाह जी के डायलॉग अपनी क्षमता के हिसाब से ही लोग चीजें देखते हैं बिल्कुल पर इन्होंने अच्छा रोस्ट किया और बताया, अवेयरनेस ला रहे हैं कि कैसे मतलब मिस यूज कर रहे हैं, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए बुलाते भी हैं और इंसल्ट भी करते हैं, अरे क्या दुनिया है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।